तो ये आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का लेक्चर नंबर 2। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिएगा ज़रूर, उसके बाद ही आपको ये वाला लेक्चर समझ में आएगा, ठीक है। तो फिलहाल एक्सरसाइज 1.3 का पहला सवाल है कि प्रूव दैट √5 इज़ इरेशनल नंबर। तो इस तरह के जो सवाल हैं वो हमने पिछली वीडियो में करे थे, जैसे कि हमने √2 को इरेशनल प्रूव किया था, इसके अलावा √3 को भी इरेशनल प्रूव किया था। तो √2, √3, √5, √7, इस तरह के बहुत सारे नंबर हमारे सामने आ सकते हैं प्रूव करने के लिए कि वो क्या होंगे, इरेशनल होंगे। तो जिस तरह से हमने पिछली वीडियो में किया था, बिल्कुल उसी तरह से हम इस सवाल को कंटिन्यू करेंगे। तो जिन्हें ये सवाल आता है पहले से, मतलब जिन्होंने पिछली वीडियो में देखे थे इस तरह के सवाल, उन्हें बहुत अच्छा समझ में आएगा, तो ध्यान से देखते रहिएगा। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है कि लेट अस अज्यूम, क्या लिखते हैं, टू द कंट्रेरी दैट √5 इज अरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उल्टा मान लेते हैं पहले कि √5 जो है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। प्रूव तो करना है इरेशनल, लेकिन माना क्या है, रेशनल, ठीक है। इसके बाद किसी भी रेशनल नंबर को हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी के इक्वल, और यहाँ पर लिखेंगे वेयर ए एंड बी आर कोप्राइम। तो पिछले लेक्चर में आपको समझाया गया था कि कोप्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। मान लो कि ऐसे लिखा है 2/3, तो 2 और 3 दोनों क्या कहलाएंगे, कोप्राइम कहलाएंगे, क्योंकि 2 के जो फैक्टर हैं वो 1 2 हैं और 3 के फैक्टर हैं 1 और 3, तो इनके बीच में कॉमन क्या है, 1 है, इसीलिए 2 और 3 को हम क्या कह सकते हैं, कोप्राइम कह सकते हैं, ठीक है। तो कोप्राइम का मतलब ये है कि ए और बी के बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या हुआ, 1। इसके बाद बी की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दी जाएगी इज इक्वल टू ए, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड, याद है ना सब कुछ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, उसके बाद ही लेक्चर 2 को देखना शुरू करिए, तभी समझ में आएगा। सीधे लेक्चर 2 पे आओगे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से इधर आएगा √5 का स्क्वायर और उधर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है। तो बी का स्क्वायर हो जाएगा, √5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे उल्टा करके हमने लिख दिया। तो इससे हमें पता चलता है कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। मैंने आपको समझा दिया था पिछली वीडियो में कि अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बी स्क्वायर लिखा है तो ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा, अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 7 बी स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब ए स्क्वायर किससे डिविजिबल हो जाएगा, 7 से, ठीक है। तो अगर किसी नंबर का स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 5 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, तो ए भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से। तो इस तरह से ये फर्स्ट पॉइंट हमें मिल गया कि ए जो है वो 5 से क्या है, डिविजिबल है। याद आ रहा है ना पिछले लेक्चर के जो सवाल थे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब हमने यहाँ पे देख रहे हैं कि ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ए किससे डिविजिबल हो रहा है, 5 से। तो अगले पेज पर हम क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 5c, ठीक है। अब ए की ये जो वैल्यू है 5c, ये जो हमें मिली है, इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे इस जगह पर, ठीक है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बी स्क्वायर लिखा, अब इस ए की जगह पर हम क्या लिखने वाले हैं, 5c। ऐसे लिखेंगे कि पुटिंग या सब्सिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5, क्या था वो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बी स्क्वायर, इसके अंदर रखने जा रहे हैं वैल्यू को, ठीक है। तो जब हम ए की जगह पर उसकी वैल्यू रखेंगे 5c, और उसका स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 5 बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, c² इज इक्वल टू 5 बी स्क्वायर, ठीक है। 5 से 5 टाइम कैंसिल, तो 5 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 c² आ जाएगा।
ठीक है, तो जिस तरह से हमने ए के लिए लिखा था ना, बी के लिए लिखेंगे कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देयर फोर बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। किसी नंबर का स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 5 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल। सो बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, ये हो गया दूसरा पॉइंट। तो पहले पॉइंट में हमें पता चला था कि ए जो है वो 5 से डिविजिबल है, दूसरे पॉइंट में हमें पता चला कि बी भी किससे डिविजिबल है, 5 से। तो इसका मतलब ए और बी के बीच में 5 जो है वो क्या है, कॉमन फैक्टर है। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट ए एंड बी हैव एटलीस्ट 5 एज अ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, ठीक है, तो ए और बी के बीच में 5 क्या आ गया है, कॉमन फैक्टर आ गया है। जबकि हमने शुरू में ये ले रखा था कि ए और बी जो हैं वो क्या हैं, को प्राइम हैं। तो को प्राइम तो वो होते हैं जिनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 ही होता है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड पॉइंट से हमें पता चला कि इनके बीच में 5 भी क्या है, कॉमन है। तो एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि ए और बी जो हैं वो को प्राइम है, ठीक है, और बाद में पता चल रहा है कि ए और बी को प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है को प्राइम, क्योंकि उनके बीच में एक और फैक्टर आ गया 5। को प्राइम तो वही होता है ना जिनके बीच में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है, लेकिन यहाँ पे 1 के बजाय 5 भी क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो इसका मतलब ए और बी को प्राइम नहीं है। तो सवाल के शुरुआत में तो हम कह रहे थे ए और बी को प्राइम है, लेकिन अब हम यहाँ पे प्रूव हुआ कि ए और बी को प्राइम नहीं है। तो इसे कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन हैज़ अराइजन। ठीक है, इसके लिए हम लिखेंगे कि बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। तो ये उस फैक्ट का अपोज करता है जिसमें हमने ये कहा था कि ए और बी क्या है, को प्राइम है। इसके बाद लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर इनकरेक्ट अजप्शन दैट, पिछले सवाल में से आप इसको लिख दीजिएगा, ठीक है, इनकरेक्ट अजप्शन दैट ए सॉरी रूट 5 इज रेशनल। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन किस वजह से है, हमारे इनकरेक्ट अजप्शन की वजह से है कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है। तो क्या लिखेंगे, सो वी कॉन्क्लूड दैट रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, तो सवाल को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो पहली बात तो यह है कि लेक्चर 2 केवल उन्हीं को समझने का अधिकार है जिन्होंने लेक्चर 1 समझ रखा है, ठीक है। बिना लेक्चर 1 को समझे लेक्चर 2 को समझने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। तो अभी हमें क्या प्रूव करना था कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए हमने उसको पहले उल्टा मान लिया कि वो एक रेशनल नंबर है। अगर रेशनल है तो किसके इक्वल होगा, ए अपॉन बी के। फिर हमने बी की इधर मल्टीप्लाई कर दी, स्क्वायरिंग करने के बाद हम यहाँ तक पहुँच गए। तो इससे पता चला कि ए स्क्वायर जो है वो 5 से क्या होगा, डिविजिबल। अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा, और अगर ए 5 से डिविजिबल है तो ए इज इक्वल टू 5 सी लिखा जा सकता है। अब ए की ये जो वैल्यू है 5c, इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया स्क्वायरिंग वगैरह करके, फिर यहाँ पहुँचे। इससे पता चला कि बी स्क्वायर 5 से क्या है, डिविजिबल। बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो बी भी किससे डिविजिबल हो जाएगा, 5 से। तो पिछली इक्वेशन में पता चला कि ए 5 से डिविजिबल है, ठीक है। अब पता चल रहा है कि बी भी जो है 5 से डिविजिबल है। दोनों ही 5 से डिविजिबल हैं तो उनका मतलब ए और बी के बीच में 5 भी क्या आ गया है, कॉमन फैक्टर आ गया, जबकि वो तो को प्राइम थे। तो इसको बोलते हैं कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट डैट ए एंड बी आर को प्राइम। ये उस फैक्ट का अपोज कर रहा है कि ए और बी क्या है, को प्राइम है। और ये कॉन्ट्राडिक्शन किस वजह से आया, हमारे इनकरेक्ट अजप्शन की वजह से आया कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है।
तो हम ये कह सकते हैं कि रूट फाइव रेशनल नहीं है, क्या है, इरेशनल है। तो इस तरह के सवालों को करने का यही तरीका होता है। तो ऐसे ऐसे मैंने आपको अभी तक 3 सवाल समझा दिए हैं, उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गए होंगे। तो अब चाहे एग्ज़ाम में रूट सेवन आ जाए या रूट इलेवन आ जाए, तो अब आप इजीली उसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए खैर, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। तो ये भी इसी टाइप का है कि प्रूव दैट दिस इज़ इरेशनल। ठीक है, तो इस बार ये काफ़ी बड़ा सा नंबर है और इसको हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो किस तरीके से कर पाएंगे, ध्यान से समझिएगा इस सवाल को। तो सबसे पहले तो वही पहली लाइन तो सेम है कि लेट अस अज्यूम टू द कंट्रेरी दैट थ्री प्लस टू रूट फाइव इज क्या, रेशनल। उल्टा मानते हैं ना पहले, तो प्रूव तो इसे इरेशनल करना है, लेकिन मान क्या लिया, रेशनल। अब अगर ये नंबर रेशनल है तो हम इसे लिख सकते हैं फिर ए अपॉन बी के इक्वल, देयर फोर थ्री प्लस टू रूट फाइव इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ठीक है, साइड में लिख देते हैं कि वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि इसकी जो कैलकुलेशन है उसको थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। ये जो एल एच एस में आप देख रहे हैं रूट फाइव, ठीक है, इसको यहीं पे छोड़ के इसके साथ जितनी भी चीज़ें हैं बाकी सबको राइट साइड में ले जाना होगा। रूट वाला जो नंबर है उसको छोड़ के उसके साथ जो भी है उसको राइट साइड में एक एक करके ले जाएंगे। तो सबसे पहले हम इस थ्री को ले जाएंगे उधर, तो टू रूट फाइव इज इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस थ्री। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे कि टू रूट फाइव इज इक्वल टू ए माइनस थ्री बी अपॉन बी। हमने बी एलसीएम ले लिया था यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो टू है ये मल्टीप्लाई में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ए माइनस थ्री बी अपॉन टू बी। तो दोबारा से समझ लो कैलकुलेशन कैसे करोगे इसके बाद की, कि रूट वाला जो नंबर है उसको छोड़कर बाकी सारा तुम्हें राइट साइड में लेकर जाना है। तो पहले हम थ्री ले गए उधर, उधर जाके माइनस हो गया, फिर हमने एलसीएम ले लिया, फिर टू को उधर बी में जाके क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई में चला गया, वहाँ डिवाइड में चला गया। ठीक है, अब इसको क्या करना होता है, सेपरेट करना होता है इस तरह से कि टू बी को एक बार लिखेंगे ए के नीचे और एक बार लिखेंगे थ्री बी के नीचे। ठीक है, तो रूट फाइव इज इक्वल टू आया इधर तो ठीक है, वन बाय टू ए अपॉन बी, इसको ऐसे लिख सकते हैं वन बाय टू ए अपॉन बी, और ये हो गया थ्री बाय टू और बी से बी क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, अब ये जो ए अपॉन बी है ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, वन बाय टू भी क्या है, रेशनल नंबर है, और ये पूरा भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो इधर की साइड ये जो पूरा आप देख रहे हैं ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, ऐसे गोले बना के तुम्हें लिखना नहीं है, ये मैं केवल तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो ये पूरा एक रेशनल नंबर है क्योंकि पूरा ए अपॉन बी फॉर्म में लिखा हुआ है, पी अपॉन क्यू फॉर्म में। लेकिन अगर ये रेशनल है तो इसके सामने वाला ये नंबर भी क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। लेकिन हम प्रूव कर चुके हैं पिछले ही क्वेश्चन में कि ये जो नंबर है ये रेशनल नहीं है, ये क्या है, इरेशनल है। तो कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो रहा है, एक बार फिर से देखिए कॉन्ट्रडिक्शन किस वजह से अराइज हो रहा है। अभी हमने इसको जब यहाँ पे लिखा तो देखा कि ये पी अपॉन क्यू फॉर्म में, ये भी पी अपॉन क्यू फॉर्म में और ये भी पी अपॉन क्यू फॉर्म में, तो ये पूरा जो नंबर बनेगा ये क्या बनेगा, रेशनल बनेगा। तो इस हिसाब से रेशनल के इक्वल जो है वो भी क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। लेकिन हम पहले से ही जानते हैं कि ये जो नंबर है ये क्या है, इरेशनल है। तो कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो गया कि हम इसे रेशनल कहें या फिर इरेशनल कहें। हम अच्छे से जानते हैं कि ये नंबर इरेशनल है, लेकिन इस हिसाब से ये क्या पता चल रहा है, रेशनल। तो यहाँ पे फिर से क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो गया। तो इसके बारे में यहाँ पे लिखा जाएगा कि बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट रूट फाइव इज इरेशनल। ठीक है, एक लाइन और लिखनी पड़ेगी मुझे इसके नीचे यहाँ पे कि इट मीन्स दैट रूट फाइव इज अ रेशनल नंबर।
इनके रेशनल हो जाने की वजह से रूट फाइव भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि रूट फाइव क्या है, इरेशनल नंबर है। तो उसके लिए हमने लिख दिया कि बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट फाइव इज इरेशनल। ये उस फैक्ट का अपोज कर रहा है कि रूट फाइव क्या होता है, इरेशनल होता है। हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से पता चल रहा है कि रूट फाइव क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। लेकिन हम पहले से ही जानते हैं कि रूट फाइव क्या होता है, इरेशनल होता है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो गया। किस वजह से अराइज हुआ दिस कॉन्ट्रडिक्शन? हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजप्शन दैट 3 + 2√5 इज रेशनल। एंड की लाइन बिल्कुल वैसे ही लिखनी है जैसे पिछले सवाल में लिखी थी। सो वी कॉन्क्लूड दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। ठीक है, एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए जरा। ये जो हैं इस तरह के जो सवाल होंगे वो पिछले वालों से आसान होंगे। इस टाइप के जो सवाल होंगे वो पिछले वालों से आसान होंगे क्योंकि ये जल्दी एक पेज में ख़त्म हो जाते हैं। तो समझिए क्या सवाल है। हमें प्रूव करना था कि ये जो नंबर है ये क्या होगा, कि रेशनल नंबर होगा। तो पहले हम उल्टा मान लेते हैं कि ये नंबर क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब रेशनल है तो किसके इक्वल लिखा जा सकता है, ए अपॉन बी के। ए और बी क्या होंगे, को प्राइम होंगे। फिर रूट वाले को छोड़कर बाकी सब तुम्हें राइट साइड में एक एक करके ले जाना होगा। जब तुम यहाँ पहुँचोगे इस जगह पे तो तुम इनको सेपरेट करोगे, ऐसे करके लिखोगे सेपरेट करके, ठीक है। तो तुम्हें पता चलेगा कि ये नंबर भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है। तो इस हिसाब से इसके सामने जो लिखा है, इसके इक्वल जो लिखा है, वो नंबर भी क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। लेकिन हम पहले से जानते हैं कि ये जो रूट फाइव है ये नंबर इरेशनल है क्योंकि पिछले ही सवाल में हमने इसको प्रूव किया था इरेशनल। तो अब क्या हो रहा है कि हम इसे क्या कहें, रेशनल कहें या इरेशनल कहें? तो इस वजह से क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रहा है। यहाँ पे एक तरह का झगड़ा हो रहा है। तो ये जो झगड़ा है ये किस वजह से पैदा हुआ है, गलत मानने की वजह से, गलत एज्यूम करने की वजह से, इनकरेक्ट अजप्शन की वजह से ऐसा हुआ है कि ये एक रेशनल नंबर है। तो सही जो अजप्शन है वो क्या होगा कि ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इस तरह के सवालों को करने का यही तरीका होता है, और कोई तरीका नहीं होता। और बस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है और हर सवाल शुरू से लेकर एंड तक अच्छी तरह से देखना होता है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये एक्सरसाइज का तीसरा सवाल है। तो इसमें क्या करना है, देखिए, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। मतलब कि ये जो सारे नंबर्स हैं इनको फिर से हमें क्या प्रूव करना है, इरेशनल प्रूव करना है। तो ये जो थर्ड वाला आप देख रहे हैं ये तो अभी जो हमने किया था उसके जैसा ही होगा, सेम टू सेम इस टाइप का होगा। जैसे ये था कि 3 + 2√5 को हमें इरेशनल प्रूव करना था, तो हमने इसको ए अपॉन बी के इक्वल मान लिया था। और कैलकुलेशन हमने इस तरह से की थी कि एक तरफ रूट वाला रह जाए और बाकी सब विदाउट रूट वाले दूसरी साइड चले जाएं। तो ये जो थर्ड वाला है ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसे खुद से ही करेंगे, ठीक है। बाकी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाले में 1/√2 दिया हुआ है और हमें इसको इरेशनल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसको जो है रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने का मतलब है कि जो इसका डिनोमिनेटर है उसको हम क्या करेंगे, एक रेशनल नंबर बनाएंगे, जैसे हम क्लास 9th में किया करते थे। इस तरह से √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर √2 आ जाएगा और नीचे √2 की √2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि ऐसा मान लेंगे कि लेट √2/2 इज रेशनल। वैसे तो पूरा स्टेटमेंट इस तरह से होता है कि लेट अस अज्यूम टू कंट्रेरी दैट दिस इज़ अ रेशनल नंबर, ठीक है। फिलहाल मैंने इतना लिख दिया है। उसके बाद अगर ये रेशनल है तो इसको किसके इक्वल लिखा जा सकता है, ए अपॉन बी के। और साइड में वही लिखिएगा कि वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। ये पीछे के सवालों से आप लिख दीजिएगा, ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा। अब इसके अलावा अब जो कैलकुलेशन होगी उसमें रूट वाला एक साइड रहेगा और विदाउट रूट वाला एक साइड रहेगा। तो जो 2 है नीचे डिवाइड में, इसको वहाँ पे मल्टीप्लाई में ले जाएंगे।
ये वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a अपॉन b, ठीक है। उसके बाद हम कहेंगे क्योंकि ये जो पूरा है ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है, और ये हम पहले से ही जानते हैं कि ये क्या है, इरेशनल है। तो एक रेशनल नंबर जो है वो इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रहा है। और ये कॉन्ट्राडिक्शन किस वजह से अराइज हो रहा है, हमारे गलत अजप्शन की वजह से कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। सो वी कंक्लूड दैट ये एक इरेशनल नंबर है। वही पूरी कहानी दोबारा से हमें लिखनी पड़ेगी। बस आपको ध्यान दे ये देना है कि एक तरफ रूट वाला नंबर होना चाहिए और दूसरी तरफ होना चाहिए विदाउट रूट वाला, ताकि आप ये साबित कर सकें ये एक तरफ रेशनल है और दूसरी तरफ क्या है, इरेशनल। उससे क्या होगा कि कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में आगे ऐसे लिखा जाएगा कि सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, देयर फोर 2a अपॉन b इज रेशनल, सो √2 इज ऑल्सो रेशनल, ठीक है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये आप खुद ही लिख लीजिएगा, पिछले सवाल हो जैसा ही पैराग्राफ होगा कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट ये एक रेशनल नंबर है, सो वी कंक्लूड दैट दिस इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इस सवाल में हमने क्या किया, पहले इसको रेशनलाइज किया √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, तो हमें ये मिला। इसके बाद हमने इसको ए अपॉन बी के इक्वल रख दिया, फिर वही कहानी शुरू कर दी कि एक तरफ रूट वाला रहना चाहिए और दूसरी तरफ विदाउट रूट वाले। तो इसके साथ जो 2 था हमने उधर मल्टीप्लाई में लेके चले गए। फिर हमें दिखा कि ये पूरा जो नंबर है, क्योंकि पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये रेशनल है और इसके सामने वाला इरेशनल है। रेशनल इरेशनल के बराबर हो नहीं सकता, कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया है। क्यों अराइज हुआ, कि गलत एज्यूम करने की वजह से अराइज हुआ है कि ये रेशनल नंबर है, तो ये मानते हैं कि ये रेशनल नहीं है, ये क्या है, इरेशनल है। बाकी सारी कहानी सब सवालों की क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। इसके बाद ये सेकंड वाला देख लेते हैं, यहीं पे कर देता हूँ। 7√5 है ना, तो आप इसको ए अपॉन बी के इक्वल मान लेंगे। मैं शॉर्ट में ही आपको समझा रहा हूँ, पूरी जो थ्योरी है वो आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे वेयर ए एंड बी आर को प्राइम ऐसे लिखेंगे, फिर √5 के साथ 7 जो है मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ए अपॉन 7 b, तो एक तरफ ये आपका रेशनल हो गया, दूसरी तरफ क्या हो गया, इरेशनल। कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया, क्यों अराइज हुआ, बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजप्शन दैट ये एक रेशनल नंबर है, सो वी कंक्लूड दैट ये एक रेशनल नंबर है। पूरी थ्योरी वैसे ही लिख दीजिएगा, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और रही बात इसकी थर्ड पार्ट की, तो इसे भी देखो। थर्ड पार्ट में पहले आप उसको रेशनल मानेंगे, 6 + √2 को ए अपॉन बी के इक्वल रखेंगे, फिर क्या करेंगे कि √2 को तो यहीं छोड़ देंगे, 6 जो है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, -a/b -6, फिर ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, रेशनल, और ये क्या है, इरेशनल। तो रेशनल इरेशनल के इक्वल आ रहा है, तो कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो रहा है, अराइज हो रहा है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज के जो सारे सवाल हैं वो हमने अच्छे से समझ लिए हैं, ठीक है। लेकिन कई बार बोर्ड के पेपर में कुछ पेचीदा सवाल भी आ जाते हैं, तो इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको अगले पेज पर दिखाता हूँ, उसको भी ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगले पेज पर चलते हैं। तो बोर्ड में एक बार इस टाइप का सवाल आ गया था कि प्रूव दैट √2 + √3 इज इरेशनल नंबर, इसे इरेशनल नंबर प्रूव करना था। तो जैसे मैंने बताया था, उस हिसाब से जब हम इस सवाल की शुरुआत करेंगे तो इस तरह से होगा कि लेट अस अज्यूम टू द कंट्रेरी दैट √2 + √3 इज अ रेशनल नंबर। पहले हम हमेशा उल्टा ही मानते हैं, ठीक। अब अगर ये एक रेशनल नंबर है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए अपॉन बी के, ठीक है।
उसके बाद मैंने बताया था कि अब ऐसा करना होगा कि एक तरफ तो रूट वाला रह जाएगा और दूसरी तरफ रह जाएंगे विदाउट रूट वाले, ठीक है। अब इसमें क्या है कि प्रॉब्लम यह है कि इनमें से किसको ले जाएं, क्योंकि दोनों पे रूट है। इसको यहाँ पे रखते हैं तो ये भी रूट वाला है, उधर ले जाएंगे तो उधर भी रूट वाला रहेगा, इधर भी रूट वाला रहेगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि मान लो सवाल ऐसे होता है कि 3 + √2, उसको हम ये अपॉन बी के इक्वल मानते, तो 3 को हम उधर ले जाते आसानी से, ठीक है। तो एक तरफ रूट वाला, एक तरफ विदाउट रूट वाला। अब अगर मैं इन दोनों में से किसी को भी दूसरी साइड लेकर जाता हूँ तो एक तरफ रूट वाला रह जाएगा, दूसरी तरफ भी रूट वाला रह जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इस सवाल में दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर देते हैं। हम इस तरह से लिखते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इधर आएगा √2 + √3 का होल स्क्वायर, और उधर आएगा ए अपॉन बी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए और बी, और उधर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। इसके बाद √2 का स्क्वायर 2 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 2, √2 की मल्टीप्लाई √3 में कर सकते हैं और आ जाएगा √6 ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। अब तुम्हें इस पूरी लाइन में एक ही रूट दिखाई दे रहा होगा, जबकि हमने शुरुआत की थी 2 रूट से, ठीक है। एक ही रूट रह गया ना, 3 + 2 कितना हो गया 5 + √6 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो 5 है, ये अब हम यहाँ पे एक रूट को रखेंगे, बाकी सारा मतलब रूट वाला नंबर यहाँ पे रखेंगे, बाकी सारा राइट साइड में ले जाएंगे। तो 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इधर एलसीएम लेंगे तो 2√6 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 5 बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एलसीएम ले लिया। अब 2 भी चला जाएगा उधर ही, √6 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 5 बी स्क्वायर अपॉन 2 बी स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको सेपरेट कर लो, इसको इसके नीचे लिखो ए स्क्वायर अपॉन 2 बी स्क्वायर आ गया। अब 2 बी स्क्वायर जब 5 बी स्क्वायर के नीचे आएगा तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा और 5/2 आ जाएगा। फिर हम कहेंगे कि ये नंबर भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, तो ये पूरा जो नंबर है ये क्या हुआ, रेशनल हुआ, क्योंकि ये भी पी अपॉन क्यू फॉर्म में है, वो भी पी अपॉन क्यू फॉर्म में, लेकिन ये वाला जो नंबर है ये क्या है, इरेशनल है। अब जो इरेशनल नंबर है वो किसके इक्वल आ रहा है, रेशनल के, तो फिर से क्या आ रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रहा है। फिर हम लिख देंगे कि बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √6 इज इरेशनल, ठीक है। वही जो मैंने मतलब पिछले सवाल में स्टेटमेंट लिखे थे वही सारे आप लिखेंगे इस तरह के, ये वाले के, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 है ना, इसमें हमारे वाले सवाल में क्या होगा, √6 होगा, √6 एक रेशनल नंबर है। फिर वही कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ अवर इनकरेक्ट असप्शन, सो वी कंक्लूड दैट दिस इज एन इरेशनल नंबर, इस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर से पूरे सवाल को समझते हैं। तो ये सवाल एक बार बोर्ड के पेपर में आया था कि प्रूव दैट √2 + √3 इज इरेशनल। तो शुरुआत वैसे ही करी बिल्कुल सेम, इसको किसके इक्वल मान लिया, ए अपॉन बी के, और वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, ऐसे लिखना होता है। इसके बाद हमारे पास क्या होता है कि मैंने ये समझाया था कि रूट वाले को यहीं रखो, विदाउट रूट वाले को उधर ले जाओ। अब यहाँ दोनों पे रूट था तो किसको ले जाएं उधर, तो ऐसे सवालों को करने के लिए क्या करना पड़ता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग करने से जब हमने ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया तो फिर से हमारे पास उस टाइप का नंबर आ गया कि एक रूट वाला नंबर हम यहाँ पे रख सकते थे, बाकी सबको हम दूसरी साइड ले जा सकते थे। तो एंड में ऐसा ही हुआ, इधर रूट वाला रह गया, उधर विदाउट रूट वाले चले गए। अब इधर जो नंबर हैं वो रेशनल हैं, इधर इरेशनल हैं, तो रेशनल कभी भी रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता, कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया। और तुम्हारा काम सवाल में कॉन्ट्राडिक्शन अराइज करना ही होता है। फिर तुम लिखते हो कि ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए अराइज हुआ क्योंकि हमने इस नंबर को गलत मान लिया था कि ये एक रेशनल नंबर है, हमने इसे रेशनल माना था, ये गलत माना था, इसलिए सही बात क्या है कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो इस एक्सरसाइज के जो सवाल हैं उनकी कहानी शुरू से लेकर एंड तक,
मतलब सबके स्टेटमेंट करीब करीब इक्वली हैं, बस ये थोड़ी सी जो कैलकुलेशन बीच की होती है ये थोड़ी सी चेंज होती है। तो उम्मीद है कि आपको ये जो एक्सरसाइज है जो एग्ज़ाम में 4 नंबर की कम से कम आएगी, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई होगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें ताकि अगली वीडियोस में उन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके या सुधारा जा सके, ठीक है? और मुझे ऑडियो मैसेज भी आप भेज सकते हैं। थैंक यू।